अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस देश में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस और राहुल गांधी के परिवार ने राज किया है। इन 70 वर्षों में अगर उन्होंने गरीबों को सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी दी होती तो एक बड़ी आबादी अपने अधिकारों से वंचित नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि कौन चोर है ये सभी लोग जानते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध कराया है। इन 2 करोड़ परिवारों के पास आवास नहीं था तो इसके लिए राहुल गांधी की कांग्रेस और उनका खानदान जिम्मेदार है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। पीएम मोदी ने शौचालय गरीबों को दिए हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि चोर कौन है जिन्होंने देश की योजनाओं पर डकैती डाली है, देश के अंदर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जातीय आधार पर देश को बांटा है, क्षेत्र के आधार पर देश को बांटा है, जिन्होंने आतंकवाद, संप्रदायवाद और अलगाववाद के सामने हथियार डाले हैं। हर व्यक्ति जानता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 3 उभरती हुई अर्थव्यवस्था में भारत आज एक है। आज भारत दुनिया के इन 6 देशों में है जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान की है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी वास्तव में बेचारा है। राहुल गांधी को वास्तविकता की जानकारी नहीं है, जो लिखकर दे दिया जाता है उनकी मजबूरी है, वो वही बोलते हैं। भारत की 125 करोड़ आबादी पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने पर गौरवान्वित महसूस करती है। राहुल गांधी ने अगर कभी जन भावनाओं का सम्मान करने का प्रयास किया होता तो इस प्रकार की बचकाना हरकत नहीं करते। बैंकों को बदहाल करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने बैंकों को जनता से जोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 करोड़ नौजवानों को स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीने का हक दिया है। नौजवानों को मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना और स्टार्टअप योजना समेत अन्य योजनाओं को लाभान्वित किया है। बैंकों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस राज में बैंकों का एनपीए 52 लाख करोड़ पहुंच गया। बैंकों की इस बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। महात्मा जी महाराज की पुण्यतिथि है और चतुर्थी की जो तिथि है वह मुझे महात्मा जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होने के नाते साप्ताहिक कार्यक्रम जो समसामयिक समाज से जुड़े थे, समाज जीवन से जुड़े थे ज्वलंत विषय होते हैं उन पर संगोष्ठी का कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में एक विशिष्ट आयोजन कथा का यहाँ पर होता है। इस बार यहाँ पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित श्रीराम कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे जो कथा व्यास हैं वह काशी की धरती से यहाँ पर आए हैं और आज से वो कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। कल से वाहन में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होंगे। 23, 24, 25, 26, 27 ये 5 सम्मेलन 5 तिथियों में आयोजित होंगे। तो समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष हैं उनसे संबंधित हैं। 28 सितंबर को महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जिसकी स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में की थी आज वह गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग विभिन्न जनपदों में 45 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण सेवा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकल्पों का संचालन कर रही है। उसके द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा और 20 सितंबर को यहाँ पर महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संतों, पूज्य धर्माचार्यों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ पर होगा।
इस अवसर पर रामकथा का आयोजन किया गया है। रामकथा का आयोजन आज इसका उद्घाटन प्रारंभ साप्ताहिक कथा का आयोजन इस अवसर पर ये होने जा रहा है। तो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम थे, तो इन कार्यक्रमों में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग पूज्य धर्माचार्य हैं, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, विभिन्न पंत संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्यगण हैं और उस संबंधित विषय से जुड़े हुए जो विद्वान वक्ता हैं वे लोग भी इस अवसर पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 27 सितंबर को गोरक्षा पर आधारित एक विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। यह कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय परंपरा में गो वंश की उपयोगिता, इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उनका इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य इस संबंध में किया है और खासतौर पर वे इस अवसर पर उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम में जीरो बजट खेती का एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे एक गोवंश सैकड़ों यानी दर्जनों एकड़ खेत के लिए लगभग उन्होंने बहुत अच्छा उसका कॉन्सेप्ट दिया है कि वह कैसे गोवंश उसके लिए उपयोग, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र कैसे उपयोग हो सकता है। तो जीरो बजट खेती का उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, कैसे गोवंश उपयोगी हो सकता है, दूध न देने के बाद भी कैसे उपयोगी है, इस पर उनकी बहुत अच्छा कार्य का है। इस अवसर पर वे विशेष रूप से बना देंगे। 26 सितंबर को यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है, वह स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है। स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन आज की आवश्यकता बनती है। आपने देखा होगा कि स्वच्छता के परिणाम कितने बेहतर हो सकते हैं। खासतौर पर आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग वर्तमान में तमाम प्रकार के वायरल जनित बीमारियों की चपेट में, लेकिन इस क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस को फोकस करते हुए हम लोगों ने स्वच्छता पर और शुद्ध पेयजल पर जो विशेष अभियान चलाया था उसके परिणाम इस बार आए हैं। विगत 1.5 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम चले हैं और अगर इसको निरंतरता हम लोग बनाए रखेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणुजनित बीमारियों को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जनता की जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है जितना शासन की योजनाओं का ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन। तो स्वच्छता को लेकर के विशेष यहाँ पर आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया है कि वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन यह स्वस्थ भारत ही नहीं बल्कि समर्थ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यहाँ पर हो रही है। उससे पहले समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को लेकर के भी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्ता और पूज्य संतों का सानिध्य संपूर्ण कार्यक्रम में प्राप्त होगा। तो ये मुख्य रूप से गोरक्षपीठ की आचार्य परंपरा है, पूज्य और संतों का स्वामी महंत विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पूर्ण तिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम पर जो आयोजन यहाँ पर बने हैं उसके जुड़े हुए कार्यक्रम के विशेष के बारे में सही जानकारी दी होती और योजनाओं का लाभ उन गरीबों को दिया होता तो एक बड़ी आबादी आवास से वंचित नहीं होती। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर के अब तक 2 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया। अगर उन 2 करोड़ परिवारों का आवास नहीं था तो राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी का खानदान इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। अगर उन करोड़ों लोगों के पास 8 करोड़ से भी ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन परिवारों के पास शौचालय नहीं था और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये आप ये शौचालय गरीबों को दिए हैं तो राहुल गांधी की कांग्रेस को राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के प्रति मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया बल्कि गरीबों को वास्तव में शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। करोड़ों परिवार ऐसे थे, 4 करोड़ परिवार इस देश के अंदर जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तब ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था। उन 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का जो सराहनीय कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, नौजवानों के लिए कौशल विकास के माध्यम से प्लेसमेंट की गारंटी देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना और स्टार्टअप के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, कांग्रेस विफल थी। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस इसके लिए दोषी है। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा देश की जनता को कि आखिर ये करोड़ों लोग, ये नौजवान, लगभग अब तक 12 करोड़ से ऊपर नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत इन योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इन योजनाओं से आज मोदी जी के कारण जो नौजवान स्वावलंबन और सम्मान के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, इसके लिए उन्हें माफी मांग दीजिए। कांग्रेस को, देश की जनता से और राहुल गांधी को खास तौर पर, ये 4 पीढ़ी देश के अंदर शासन की, उस सब के बावजूद ये स्थिति है। और यही नहीं, राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी इस बात को मांगनी चाहिए कि देश के अंदर आजादी के बाद यानी 2004 से 14 तक इन्होंने देश के एनपीए को, बैंकों के एनपीए को 52 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। बैंकों की स्थिति अत्यंत बदहाल करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बैंकों को जनता से जोड़ करके जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए नहीं, मोदी जी ने बैंकों को जनता से जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से जनता को बैंकों के साथ जोड़ा है और बैंकों को इसके साथ जोड़ करके एक लोग न केवल लोकोपकारी अभियान के साथ जोड़ा है किंतु उनको एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अगर बैंक बदहाल है तो इस कार्य के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हर व्यक्ति जानता है कि चोर कौन है, जिन्होंने देश की योजनाओं पर डकैती डाली है, जिन्होंने देश के अंदर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जाति आधार पर समाज को बांटा है, क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटा है, जिन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के सामने हथियार डाले हैं, वे लोग चोर हैं। और मुझे लगता है कौन है हर व्यक्ति जानता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज सम्मान के साथ दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है। दुनिया की 3 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी, आज भारत दुनिया के उन 6 देशों में है जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक ऊंचाइयां प्रदान की। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी वास्तव में बेचारा है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है, वास्तविकता की जानकारी नहीं है, इसलिए वह जो उनको लिख के दे दिया जाता है उनकी मजबूरी है वो बोलेंगे। अर्थ मालूम होगा कि देश के एक देश और दुनिया के अंदर जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत का 125 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व पर और उनके साथ कार्य करने पर गौरव की अनुभूति करती है। राहुल गांधी ने जन भावनाओं को कभी सम्मान देने का प्रयास किया होता तो इस प्रकार की बचकाना हरकतें नहीं करते, इस प्रकार का बचकाना बयान नहीं।